देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो हायर एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा एक तो टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर है, मेडिकल एजुकेशन सेक्टर है, और एक सेक्टर है जहाँ पे हम ह्यूमैनिटीज कोर्सेज और फाइनेंस के कोर्सेज चलाते हैं, जो हमारे रेगुलर कॉलेजेस हैं, जहाँ पे BSc हैं, आर्ट्स के कोर्सेज हैं, वो सब हम लोग कराते हैं। तो ये तीनों सेक्टरों में हम लोगों को काम करने की बहुत आवश्यकता है। अभी जैसे आपने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई हुई है, उसमें विशेष फोकस ये है कि कैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको कैसे ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि जिससे वो उनको रोजगार मिल सके या खुद वो रोजगार सृजन करने वाले बन सके। तो इस दिशा में भी हम लोग पिछले लगभग 2.5 साल से हम लोग काफी कुछ इनिशिएटिव्स हमारे प्रदेश ने लिए हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट में लिए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक कोविड के बाद से एक चैलेंज हमारे सामने आया था कि हमारे जो सेशन थे वो रेगुलर नहीं रह गए थे, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में हमने पूरी एक ERP, उसको पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करने की, पूरे सिस्टम को डिजिटाइज करने की कोशिश की है, और एक एक समर्थ करके ORP है, उसको हमने शुरू किया है, ताकि जो बच्चों के एडमिशन हो वो समय से हो, और जो एग्जाम्स हैं वो समय से हो, उनके रिजल्ट समय से निकले, ताकि जो उनको पूरा, जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP कहता है कि 180 दिन उनको पढ़ाई करनी चाहिए, तो 180 दिन की पढ़ाई उनकी सुनिश्चित हो सके। तो इस दिशा में हम लोगों ने काम किया, और पिछले 2 सेशन से हम लोग लगातार उसके माध्यम से एडमिशन भी करा रहे हैं, और उसके माध्यम से हम लोग एग्जाम्स वगैरह भी करा रहे हैं। तो एक तो ये सेशन रेगुलर करने की बात है, जो बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी बोलती है कि हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज में फोकस करने की जरूरत है, हम लोगों को रिसर्च में प्रमोट करने की जरूरत है। तो इसके रिसर्च को और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जैसे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अभी हमने इसको शुरू किया है, जिसमें लास्ट ईयर करीब 44 हम लोगों ने रिसर्च प्रोजेक्ट उसमें सेंक्शन किए हैं। ये प्रोजेक्ट जो है एक ग्रुप को मिलते हैं, जिसमें फैकल्टी भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, ये डिग्री कॉलेजेस की फैकल्टी भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। तो बेसिकली एक ये रिसर्च के माहौल को बढ़ाने में मदद करता है पूरे कॉलेज में। इसके अलावा जो बच्चे PhD कर रहे हैं उसको भी हम लोग कुछ स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए हम वो बच्चे जो हमारे अगर अलग अलग कॉलेजेस में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक में आते हैं, उनको हम लोग एक मेरिट स्कॉलरशिप भी हमने पिछले साल से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो एक पूरी पूरी मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर मैं टेक्निकल एजुकेशन की बात करूँ तो टेक्निकल एजुकेशन में भी बेसिकली इम्प्लॉयमेंट हमारा फोकस है, और वहाँ पे जो आजकल के युग के जो नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे देश में और पूरे विश्व में आ रही है, उस पे फोकस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हो, मशीन लर्निंग के कोर्सेज हो, इस तरह के कोर्सेज और हमारे प्रदेश में शुरू किए गए हैं। ओवरऑल अगर हम लोग हायर एजुकेशन की बात करें, तो मेरा बड़ा स्ट्रांगली ये मानना है कि ये सेक्टर जो है, इट्स ए प्राइवेट गुड, स्ट्रिक्टली एक प्राइवेट गुड है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। तो हमारी जो सरकार की पॉलिसी है, जो हम एक सर्विस सेक्टर पॉलिसी लेकर के आए थे, तो उसमें लगभग 25% सब्सिडी देते हैं, उसमें एजुकेशन सेक्टर भी हमारा शामिल है सर्विस सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, और हमें बड़ा स्ट्रांगली ये मानना है स्टेट गवर्नमेंट का कि बिना प्राइवेट सेक्टर के हायर एजुकेशन को हम लोग बहुत इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इससे इट हैज टू बी ए मिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर, और दोनों जगह क्वालिटी पे विशेष रूप से हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। जो NAC ने एक एक्रेडिशन सिस्टम शुरू किया है, तो उसमें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज हमारे उस एक्रेडिशन की तरफ जाएं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जहां तक एक्सेस और क्वालिटी की बात होती है, तो एक्सेस तो ठीक ठाक है हमारे प्रदेश में, क्वालिटी पे हम लोगों को अभी बहुत काम किया है पिछले 2-2.5 साल में, और भी बहुत काम करने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।